हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर टेक। और मिस्टर टेक की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारो, आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी मेरे मुंह से इधर उधर निकल जाए तो पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कि आप सबको इतना तो पता ही है कि मैं ये आखिरी वीडियो है मेरा चैनल मिस्टर। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि यार, अब तक मैं सिर्फ आप लोग के लिए बोलता आया, जो कुछ भी मैं आप लोग के लिए ठीक समझा सिर्फ वही करता आया। फिर भी मुझे ये सुनने के लिए मिल गया कल की वीडियो में कि वीडियो तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए बनाता हूँ। सही है यार, चलिए बताता हूँ विस्तार से कि कल की तारीख में जालम स्टाइल की तरफ से एक न्यूज़ लेटर जारी किया गया था और मैंने रात को ही 1 से 1.5 मिनट का एक वीडियो पब्लिक किया था और उसमें बताया था कि भाई जालम स्टाइल की तरफ से एक न्यूज़ लेटर जारी कर दिया गया है, आप लोग जाओ और जाकर इसे पढ़ सकते हो। और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैंने ये भी कह दिया था वीडियो में कि आप लोग पढ़ लो, पढ़ के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो सुबह मैं एक्सप्लेन वीडियो डाल दूँगा। और सुबह जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तो मैंने सोचा कि रात की वीडियो के कुछ कमेंट मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में इसे शूट करता हूँ। तो जब मैं वीडियो के कमेंट्स खोल कर बैठा तो कुछ दोस्तों के तो अच्छे कमेंट जो हमेशा आते हैं, जो जान है मेरी, उनके लिए पूरे दिल से शुक्रिया। तो उन्होंने तो अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनने पता क्या किया, वीडियो तो आप अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हो। सही है यार, मैं बस इतना से कहना चाहूँगा कि मेरी एक कोशिश हमेशा रही है आप लोगों के दिल जीतने की, इसलिए हमेशा फीलिंग के साथ टच में रहा हूँ। और यूट्यूबर की नहीं, और यूट्यूबर जो करते हैं, जो और यूट्यूबर की तरह मैं नहीं करता कि जो बस उन्हें लगा कि इस चीज़ में उन्हें प्रॉफिट है केवल वही वही बताएंगे और बस इतने में 4-5 मिनट का वीडियो हो जाता है उनका। लेकिन मिस्टर टेक सिर्फ इसलिए खड़ा रहा आप लोगों के लिए क्योंकि ये किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता। जो दोस्त इधर उधर की वीडियो देखकर आए हैं और मेरी वीडियो पे आकर ये कमेंट किया कि वीडियो तो आप अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हो, चलिए उनका जवाब देता हूँ। जिसकी भी वीडियो देखकर आप आए हो, क्या उसकी वीडियो पे ऐड आ रहे थे ना, मतलब कि वो भी अपने प्रॉफिट के लिए वीडियो बना रहा है। दूसरा, जिस चैनल पे मैं आप सबके सामने बैठा हूँ वो चैनल मैंने आप लोगों के लिए सौंप के रखा था और आप लोगों की मदद के लिए चैनल हमेशा खड़ा रहा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस चैनल ने हमेशा आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों की मदद करता रहा। टेलीग्राम के थ्रू भी मैंने आप सबकी मदद करने की कोशिश की कि अगर आपको लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लेट हो चुका है, हमें एक्शन लेना चाहिए, तो फिर ठीक है, आप लोग एक कोरे कागज़ पर वो लिखो जो आपको लिखना है और भेजो मुझे, फ्री मिस्टर टेक आपकी आवाज़ बन के बोलेगा। किया था लेकिन उसे भी गलत तरीके से पेश कर दिया गया। बाकी मैंने जैसा कहा कि मिस्टर टेक चैनल आप लोगों के लिए मैंने सौंप के रखा था, आप लोगों की मदद के लिए छोड़ के रखा था, क्योंकि मेरा तो एक दूसरा चैनल भी है आर्केटेक, जाकर उस पर देखो 3.5 लाख से भी ज़्यादा फैमिली उस पर एक्टिवेट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो आके देख लेते हो तो उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट जाता होगा, तो फिर मिस्टर टेक पे कितने व्यूज़ आते हैं मेरे भाई? मिस्टर टेक चैनल के व्यूज़ देखो और मेरे आर्किटेक्ट चैनल के जाके व्यूज़ देखो। अरे मैं तो अपना मेन चैनल छोड़ के बैठा हूँ, वो काम छोड़ के जो मेरा मेन चैनल का काम है वो छोड़ के आप लोगों के लिए यहाँ आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। फिर भी मुझे जब मिला सुनने के लिए यही मिला कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो ठीक है यार, प्रॉफिट मेरा कहाँ देखा वो बता दीजिए। हाँ, आप जाइए यूट्यूब पर जाइए और भी देखिए जाला विस्टाल के छोटे से छोटे ऑफर को कितना बड़ा चढ़ाकर प्रमोट करते हैं लोग, जाकर देखिए। लेकिन मिस्टर टेक चैनल वो नहीं करता है, मिस्टर टेक चैनल केवल वो बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है, या फिर आप जिस रिसर्च की बोल देते हैं उसके रिसर्च पर लग जाता है। कल के न्यूज़ लेटर की भी अगर मैं बात करूँ तो कल के न्यूज़ लेटर में पहली हेडिंग अच्छी आई है, जिसमें यह बताया गया कि जिस 13 सितंबर का टारगेट बनाकर कंपनी चल रही है वो काम अच्छा चल रहा है और भी ज़्यादा कंपनी अपने ऐड वहाँ पर पंजीकृत कर रही है। तो अब ऐड चालू होंगे या नहीं होंगे 13 तारीख को वो अलग बात है,
यहाँ तक आप लोगों ने साथ दिया या फिर मैंने आप लोगों का साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यहाँ तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा उम्मीद है। रही मेरी बात तो मैंने यहाँ तक के सफ़र में क्या क्या खोया आप लोगों से तो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि मैं और यूट्यूबर की तरह केवल अपने काम से काम नहीं रखता हूँ, आप सबको सब कुछ बताता हूँ। और ये मेरा वीडियो आखिरी वीडियो है, अफसोस है इस बात के लिए कि मैं ऐसे लोगों के लिए लड़ रहा था जिन्होंने ऐसे टाइम पर मेरा साथ छोड़ा जब मुझे आप लोगों की जरूरत थी। पता है मैंने 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, पर कोई बात नहीं मेरे भाई, अब आप लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल आ गए हैं जो आपको कंपनी के फैक्ट बताएंगे, क्या सही है क्या गलत वो बताएंगे, कंपनी के नए नए ऑफर बताएंगे, छटे की अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम फिर से यही दुआ करेंगे कि आपकी हर दुआ कबूल हो। अलविदा।